हमारा तिरंगा हवा से नहीं, शहीदों की आखिरी सांसों से लहराता है। हाल ही में रिलीज हुई मूवी से लिया गया ये एक डायलॉग, जिस मूवी का नाम है मिशन मजनू। सिद्धार्थ मल्होत्रा जिसमें लीड रोल निभा रहे हैं, उनके साथ रश्मिका मंदाना और उनके साथ साथ दो कुमुद मिश्रा और शारिफ हाशमी, जो कि आपको फिल्म में ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा की, तो इस तरह की फिल्में जैसे कि मतलब पहले शेरशाह वो कर चुके हैं, शेरशाह से काफ़ी अलग मूवी है, लेकिन कुछ किरदार उसी तरह का देखने के लिए आपको उसमें मिलने वाला है। और रश्मिका मंदाना जैसे कि अब तो लगता है कि बॉलीवुड की हो चुकी हैं साउथ से निकल कर। देखिए बात करें अगर फिल्म की स्टोरी की, तो स्टोरी कुछ ऐसी है, अगर आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा कि लग सकता है कि आप ये इस तरह की स्टोरी पहले देख चुके हैं, क्योंकि स्टोरी थोड़ी अलग हो जाती है लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही होता है इस तरह की फिल्मों का। तो फिल्म की कहानी की अगर बात करें, जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा है कि एक हमारे इंडिया के कुछ एजेंट होते हैं, कुछ स्पाई एजेंट होते हैं, जो कि पाकिस्तान में रहकर हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, जिसमें हमारे सिद्धार्थ मल्होत्रा, कुमुद मिश्रा और शारिफ हाशमी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तीनों वहीं रहते हैं, वहीं की तरह से सब रहना खाना पीना, मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका भांडा फोड़ना मतलब हिंदुस्तान को बताना और वो रद्द कराना काम, यही काम उनका होता है। यही काम हमारे वहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा कर रहे हैं और उनको वहाँ पर प्यार हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, फिर उसी तरह से ये कहानी चलती रहती है। फिर जब उनके बारे में वहाँ पर पाकिस्तान वालों को पता चलता है कि ये इंडिया का एजेंट है, तो वो खुद कैसे निकलते हैं और अपनी बीवी को भी कैसे निकालते हैं, ये कहानी में देखना दिलचस्प होगा। फिल्म की सबसे अच्छी बात तो ये है कि फिल्म हमारे देश के ऊपर है, दूसरी उसमें कोई गाली गलौज नहीं है, तीसरा उसमें कोई ऐसा सीन नहीं है जो आप परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। तो भैया अगर आप अपने घर पर हैं और फ्री हैं और परिवार के साथ हैं, तो परिवार के साथ में बैठकर इस फिल्म को आप देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स खोलिए और वहाँ पर फिल्म देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बढ़िया बात तो ये है, क्योंकि ऐसी फिल्में आजकल बहुत कम आती है जिसमें आप परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। उसके बाद भैया हम बात करें अपने तीनों कलाकारों की, तो तीनों कलाकार तो हमारे सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे शेरशाह मूवी में हम देखे थे, किरदार उनके ऊपर इस तरह के जचते हैं, तो उन्होंने काफ़ी कमाल का काम किया है। और रश्मिका मंदाना जो कि इसमें एक्ट्रेस का काम कर रही हैं, वो भी ठीक ठाक ही काम कर रही हैं। उसके साथ कुमुद मिश्रा और शारिफ हाशमी दोनों ने कमाल का किरदार अपनी जगह पर निभाया है। तो फिल्म कोई भी दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी फिल्म बोर नहीं होने देगी और शुरू से एंड तक आपको फिल्म देखने में मज़ा आएगा। और सबसे बढ़िया बात है कि आप परिवार के साथ फिल्म देखो, बहुत टाइम हो गया होगा तो परिवार के साथ लगा कर देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। उसके साथ फिल्म में एक गाना बजता रहता है पीछे, जो कि सोनू निगम की आवाज़ में है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिल्म देखने लायक तो है भैया, तो जाओ फैमिली के साथ देखो और पूरा मज़ा लो फिल्म का, आराम से चला के रखो और फिल्म देखो। तो चलिए मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम।